क्या आप एक YouTube क्रिएटर हो? क्या आप भी YouTube पे वीडियो डालते हो, पैसे कमाते हो दोस्तों? तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तरीके से कैसे बोल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि अगर आप अपना YouTube पे वीडियो डालते हो तो उस पर थंबनेल लगाते हो। जी दोस्तों, तो थंबनेल लगाते हो तो दोस्तों आप सभी सोचते हो कि क्या मेरा थंबनेल अच्छा है। दोस्तों अगर आप अपने YouTube पे थंबनेल बनाते हो तो आपको थंबनेल आपको बहुत ही अच्छा लगता है क्या? दूसरों को भी पसंद आता है आपका थंबनेल? क्या आपने कभी सोचा है कि किस किस को मेरा YouTube का जो पोस्टर बनाया है, थंबनेल बनाया है, किस किस को पसंद आया है, किसको पसंद नहीं आया है? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि या नहीं सोचा? तो दोस्तों आप सभी को मैं आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपने जो YouTube का थंबनेल बनाया है वो कितनी YouTube पे लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आज के टॉपिक इसी पे होने वाला है। तो दोस्तों आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आपने जो YouTube का जो थंबनेल बनाया है वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, या आपका जो थंबनेल है दोस्तों कितना अच्छा है या कितना बुरा है दोस्तों आप सभी जान सकते हो। जी दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आप आज से पहले आपने YouTube ऐसा वीडियो ही नहीं देखा है कि हम अपना जो थंबनेल है वो कैसे पता करें कि हमारा जो थंबनेल है वो अच्छा है या बुरा है। जी दोस्तों, तो आज आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो YouTube का थंबनेल है वो अच्छा है या बुरा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, बताने क्या हुआ, आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो मैं अपने YouTube पे थंबनेल बना रहा हूँ वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी दोस्तों, दोस्तों थंबनेल का बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। दोस्तों आप सोचते हो कि जो थंबनेल है, अगर आपका जो थंबनेल है जो अच्छा है दोस्तों, तो आप जैसे अब मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो देखते देखते मेरे उस वीडियो के नीचे मेरे को कोई अच्छा सा थंबनेल पोस्टर दिखेगा दोस्तों, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा दोस्तों तो व्यू बढ़ेगा मेरे चैनल पे। जी दोस्तों, तो व्यू बढ़ाने में दोस्तों थंबनेल का बहुत ही ज़्यादा वो होता है, लोगों को अट्रैक्टिव खुद की तरफ खींचता है दोस्तों थंबनेल। क्योंकि अगर आपका जो थंबनेल है जो अच्छा होगा तो दोस्तों आपके वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे और आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आप सभी को आपका जो थंबनेल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए दोस्तों, जो लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपका जो थंबनेल है जो कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा जो थंबनेल है दोस्तों, जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो दोस्तों जो देख सकते हो यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है दोस्तों, अगर ये आपका 5% से ऊपर होगा। जी दोस्तों, जो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है जो 5% से ऊपर होगा तो इसका मतलब आपका जो थंबनेल है जो लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपका जो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है जो हर वीडियो पे दिखाता है आपका, तो अगर वो 5% से नीचे होगा, 2%, 3% होगा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपका जो YouTube का थंबनेल है वीडियो पे लगा रखा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और अगर आपका जो थंबनेल नहीं पसंद आएगा तो आपके चैनल पे व्यू भी नहीं आएंगे, बिल्कुल लो व्यू हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने थंबनेल पे समय देना चाहिए। जब आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं उसके बाद जो थंबनेल लगाते हैं या अपना जो थंबनेल बनाते हैं दोस्तों, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका वीडियो भी वायरल हो सके। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा जो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है 5% है, तो जिस वीडियो पे 5% है क्लिक थ्रू रेट 5% है, उस वीडियो पे देखो अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। बाकी के वीडियो पे मेरे 20 से 30 व्यू भी देख सकते हो जिन पे 2 से 3% ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये जानकारी आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल के थ्रू मिली है तो हमारे चैनल को कर दीजिए आप सब्सक्राइब। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।